आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ मैं एक पेपर शेयर करूंगा बोर्ड का, जिस पेपर में बच्ची ने अपनी सारी लाइफ की स्टोरी लिखी है, अपनी पूरी जिंदगी की उसने कहानी लिखी है। ये 9th क्लास का पेपर है और फैसलाबाद का बोर्ड का पेपर है, और 9th मैथ के पेपर में बच्ची ने सारी के सारी अपनी जो स्टोरी है वो लिख दी है। बाज बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब उनको पेपर नहीं आता तो वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कभी शेर लिख देते हैं, कभी गाने लिख देते हैं। और इस पेपर में बच्ची ने मैथ के पेपर में अपनी सारी की सारी कहानी लिख दी है, जो अभी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। ये फैसलाबाद बोर्ड का पेपर है मैथ का, और इसमें ये एक बच्ची का पेपर है और उसने इस पेपर में 4 मार्क्स लिए हैं, और इस पेपर में उसने अपनी लाइफ की सारी स्टोरी लिखी है। तो आगे ये 1-2 क्वेश्चन उसने किए हैं जो बिल्कुल गलत है, आगे उसने पेपर में अपनी लाइफ की सारी स्टोरी लिख दी है। अब बच्चों में ये ट्रेंड चल रहा है कि जब उनको कोई नई पेपर नहीं आता, सवालात नहीं आते, तो कोई बच्चे शेर लिख देते हैं, कुछ गाने लिख देते हैं, जो भी उनके माइंड में वो लिख देते हैं। तो इस बच्ची ने पेपर में सारी अपनी स्टोरी लिख दी है। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बस खैरियत से ठीक हूँ। मेरा नाम सादिया है, मैं 9th क्लास की तालिब इलम हूँ। हम 2 बहनें हैं, मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम करती है, मेरा अब्बू भी नहीं है, हम अपने मामू के पास रहते हैं। लेकिन अभी उन्होंने, ये देखें, ये आप पढ़ सकते हैं कि उस बच्ची ने अपनी सारी जो दर्द भरी स्टोरी है इस पेपर के अंदर लिख दी है। तो ये वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं और फिर पेपर में खाली टाइम गुजारने के लिए कोई शेर लिखते हैं, कोई गाने लिखते हैं। तो इस बच्ची ने पेपर के अंदर अपनी सारी के सारी जो स्टोरी है उसने लिख दी है कि उसको पास कर दिया जाए, हालांकि उसने कोई सवाल ठीक नहीं लिखा, एक आधा सवाल लिखा है वो भी गलत लिखा है, और उसके 4 मार्क्स आए हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव में से आए हैं। ये उसने अपनी सारी लाइफ की स्टोरी लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि उसने क्या क्या लिखा है। मैंने तो पढ़ी थी, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और ये फेल है, इसके सिर्फ 4 मार्क्स आए हैं। उसने सारी अपनी स्टोरी जो है वो लिख दी है कि क्या क्या वो काम करते हैं, ये वो, जो भी उसने स्टोरी मन घड़त है या सच है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने लिखी है। और उसके मार्क्स जो आए हैं वो 0 मार्क्स आए हैं। ये सिर्फ वो भी जो मार्क्स आए हैं ये देख लें, ऑब्जेक्टिव में से आए हैं, और ये फेल है। इसी तरह बच्चे जो पेपर तैयार नहीं करते तो फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं पेपर।